आप जानते हो जो हमारा मन है, बाइबल कहती है वो, अगर पुराना नियम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हमारा मन सब चीजों से धोखेबाज है, ऐसा लिखा है, और उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य का मतलब होता है जिसका इलाज नहीं होता संसार की ओर से, लेकिन बाइबल में लिखा मन का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और मन का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। मन एक ऐसा विषय है ना, जब आप किसी की गवाही सुनोगे तो ये उत्साहित हो जाएगा। अगर आप अच्छा वचन सुनोगे, अच्छी बातें आपके मन में बैठी, तो आपके अंदर एक हियाब आएगा, आपके अंदर एक दलेरी आएगी। और अगर आपने कुछ ऐसी नेगेटिव बातें सुनी या ऐसा हालात आ गया तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। और ये एक ऐसा विषय है मन का, इसीलिए हर उस बिलीवर को जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको एक काम करना चाहिए, अगर वो चाहता है कि मेरा मन खराब ना हो, अगर वो चाहता है कि मेरा मन वैसा रहे जिससे परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है और मुझे फल मिलता है, तो इसको, इस मन के साथ हम क्या करें? लगातार परमेश्वर के कामों में, मीटिंग में, संगति में, वचनों में, प्रे में, मतलब परमेश्वर के साथ रहें। अगर हम ऐसा करेंगे और जब भी हमारे सामने हालात होंगे, जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे हमारा मन टूटता है, खराब होता है, तो हमें क्या मिलेगी? दलेरी मिलेगी, हियाब मिलेगा। आप जानते हो, मैं इसके लिए आपको एक वचन पढ़ा सकता हूं बाइबल से, ये बहुत मेरा फेवरेट वचन है। परमेश्वर का हर एक वचन फेवरेट है, लेकिन इस वचन को मैंने क्यों ऐसे कहा? ताकि आपका ध्यान ज्यादा बढ़े इस पर, आपका ध्यान ज्यादा लगे इस वचन के ऊपर कि ये कौन सी बात है। तो ये वचन आपको मिलेगा पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में। ये है पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। और 21 में लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। ये वचन समझने वाला वचन है, और जब हमें ये समझ आया तो हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, देखो यहां पर लिखा, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमारा हियाब, हमारी दलेरी, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के साथ होता है। अगर हमारा मन हमें दोष देता है तो हमारा हियाब नहीं होता, हमारा मन खुश नहीं होता। आप जानते हो हमारा मन दोष देता रहता है? बोलो, क्या देता है? क्या आप सुन रहे हो यहां पर अच्छे से? आमेन, ऊंचा बोलो आमेन। आप एक चीज को याद रखना, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप लोगों ने एकदम से एक्टिव जवाब देना है, और जो आप सुन रहे हो उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अच्छे से ग्रहण करना है। क्योंकि अब से जितनी मीटिंग्स होंगी इस मिनिस्ट्री में, ये लोगों के लिए बड़ा फल होंगी, और ये कहानी नहीं है, ये बड़ा फल होंगी आपके लिए। आज की टीचिंग आपको क्लियर कर देगी क्यों, कैसे, याद रखना। और यहां पर लिखा, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे
लेकिन जैसे हमारा काम नहीं कोई हुआ तो हमारा मन क्या देगा? दोष, है ना। जैसे मान लो आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पर विश्वास किया किसी काम के लिए, वो काम हुआ नहीं, तो आपका मन क्या देगा? आपका दोष देगा। देगा या नहीं देगा? सारे बोलो, देगा ना। लेकिन ये वचन हमें क्या क्लियर कर रहा है यहां पर? यहां पर लिखा 21 में तो ये लिखा, लेकिन 20 में लिखा, ऊपर से पढ़ते हैं, 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सबको जानता है। 19 में लिखा, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। आमेन। ये 19 वचन ये कहता है कि हमारा काम है, यहां यहां हमारा मन हमें दोष देगा, हमें अपने मन को ढांढस देना है। ढांढस का मतलब होता है उसको हौसला देना है, तसल्ली देनी है। जैसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता करते थे, बोलो क्या करते थे? अना जैसे मान लो आपका काम नहीं हुआ, जैसे दाऊद भविष्यवक्ता करता था। दाऊद भविष्यवक्ता पता क्या करता था? वो भजन संहिता में आप पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा, उसने ऐसे कहा, हे मेरे मन चुप रह परमेश्वर के सामने। कैसे कहा? हे मेरे मन चुप रह परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो भला है और मेरी आशा उसी से है। अब ये क्या किया उसने? अपने मन को ढांढस दिया, अपने मन को बताया कि तू जो फड़फड़ाता है, तेरे मन में जो इधर उधर की बातें उठ रही है, चुप, तुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी आशा किससे है? तो आपको भी ये काम करना है, आपके भी दिल में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य को जो कुछ चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर से मिलेगा। और ये कहानी नहीं, 1000% गारंटी है, क्योंकि उसको जो कुछ भी चाहिए वो सब किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। लेकिन आज जो अभी मैंने बताया, ये एक बड़ा विषय है। हमारा मन तो हमें दोष देता रहता है, अगर वो ज्यादा दोष देने लगेगा तो आपका मन ज्यादा खराब होगा, और खराब मन से कुछ भी प्रकट नहीं होगा, खराब मन से कोई आशीष नहीं आएगी। खराब मन से जो हम परमेश्वर से चाहते हैं वो फल नहीं आएगा। इसलिए हमारा मन कैसा होना चाहिए ये एक बड़ा विषय है, वैसा जैसे परमेश्वर चाहता है। तो आज ये आदत हमें डालनी होगी, और एक बार हमारी आदत हमारे मन को लग गई, हालात में भी परमेश्वर पर भरोसा रखने की, हालात में भी परमेश्वर की वादों को, उसके जो प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं लिखा हां में ना में नहीं। अना हम टेस्टामनी सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, तो अगर ये टेस्टामनी हर हफ्ते वीरवार संडे हम सुनते रहते, लोगों की जिंदगी की कहीं ना कहीं से गवाहियां आती रहती, लोगों की जिंदगी में काम होते रहते, तो ये काम रेगुलर जो हम देख रहे हैं, ये हमें हमारे मन को समझाते हैं, तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा भी हो चुका है, तुम्हारा काम भी परमेश्वर कर चुका है। आमेन। तो ये विषय बड़ा है आज, क्योंकि जो हम चाहते हैं परमेश्वर से वो सिर्फ परमेश्वर से होगा,
कहीं से नहीं होगा, पूरी दुनिया से नहीं होगा, और यह सिर्फ यीशु नाम से होगा, और यह गारंटी से होगा। आपको समझना होगा कैसे। तो आज मैं एक बड़ा विषय लेकर आया हूं आपके पास, एक बड़ा विषय। थंबनेल लेकर आओ सामने आज। ये देखो थंबनेल में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से तैयार हुआ विश्वास सब कुछ प्रकट कर सकता है। आमेन। सुनो इधर देखो, आज जो आप सीखने वाले हो वो है विषा विश्वास। जैसे हम किसी से भी पूछेंगे आप विश्वास करते हो, तो आप बोलोगे यस। बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? यस होगा या नहीं होगा, है ना? आपका ये आंसर होगा हां मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आप सोचो, आप जानते हो यीशु को कबूल करना, यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? मतलब मोक्ष प्राप्त करना, मतलब अनंत जीवन में प्रवेश करना और जीवन की पोथी में अपना नाम लिखवाना। ये बड़ी बातें मैंने बोली, इतनी बड़ी बातें जो शारीरिक मनुष्य को समझ नहीं आएगी। अना जब हम अभी लॉकडाउन थोड़ा खुला है तो कुछ कुछ लोग आने लगे, और आने वाले दिनों में ये काम स्पीड से होने वाला है। आप विश्वास से लोगों को लेकर आना, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा पक्का। परमेश्वर ने बदलेगा, आपको शोभा मिलेगी और आप भी स्वर्ग पर धन इकट्ठा करने वाले बनोगे। ये स्वर्गीय धन है, बड़ा धन, लोगों की रूह को बचाना, और ये मेरा और आपका काम है। ये परमेश्वर ने आपको दिया है और आपने करना है। आमेन। और सुनो इधर ध्यान से, ये बड़ा विषय है विश्वास, यीशु हमारे प्रभु पर विश्वास करना। प्रभु यीशु पे विश्वास करना, उसे ग्रहण करने का मतलब मोक्ष प्राप्त करना, अनंत जीवन में प्रवेश करना, या जीवन की पोथी में हमारा नाम लिखे जाना। लेकिन आप जानते हो यही विश्वास जो हमने यीशु पर जब किया तो ये हुआ, और इसी विश्वास से हमारे बाकी के काम भी होंगे। इसी विश्वास से क्या होंगे? हमारे बाकी काम होंगे। जैसे आपको चंगाई चाहिए, अना जॉब चाहिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा चाहिए, कुछ भी चाहिए परमेश्वर से, तो ये हमारे विश्वास से, हमारे भरोसे से होगा। ठीक है? लेकिन सवाल है, जब आप विश्वास करते हो तो कई लोग सोचेंगे, है ना? कई लोग सोचो, अगर आप विश्वास करते हो तो फिर हो क्यों नहीं रहा, है ना? जैसे बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, हाँ मैंने प्रार्थना की, हाँ मैंने विश्वास किया परमेश्वर पर, हाँ परमेश्वर से मैंने मांगा, हाँ मैंने इस बात के लिए ये परमेश्वर से कहा, लेकिन फिर हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं? होना चाहिए ना? आमेन। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि मरकुस में लिखा है, यीशु मसीह ने एक आदमी को कहा जिसमें उसके बेटे में दुष्ट आत्मा से चेले निकाल नहीं पाए, यीशु ने निकाला, तो उसके पिता को, बेटे के पिता को कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है।
तो जब आप और मैं विश्वास करते हैं तो कभी कभी हमारा विश्वास काम क्यों नहीं करता? कभी कभी जो हम विश्वास से मांगते हैं परमेश्वर से होता नहीं। जैसे मान लो किसी के पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, 2 साल से 4 साल से 5 साल से प्रभु में प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है परमेश्वर, विश्वास करता है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास उसको वो जो चीज चाहिए दिला नहीं रहा। वाई? ये विषय सीखना चाहते हो आज आप? ये बहुत बड़ा विषय है और इस मिनिस्ट्री में आपको ऐसी टीचिंग्स मिलती रहेगी और ये आपके मन को अच्छा करती रहेगी। क्या करती रहेगी आपको? जब भी आप अपने मन में, आपका मन आपको दोष देगा या आप अपने मन में डाउन होने लगोगे या विश्वास में डाउन होने लगोगे, तो यहाँ की टीचिंग्स, यहाँ की प्रीचिंग्स आपको नेगेटिविटी से बाहर लाएगी और पॉजिटिव करके आपको बढ़ाएगी और यही आपका बढ़ना आपके रिजल्ट को लेकर आना होगा। आमेन। हालेलुया। आप कितना खुश हो? आमेन। तो ये एक बड़ा विषय है, ठीक है, और इस विषय को मैं क्लियर करने वाला हूं आज आपके साथ और आपका काम है इस पॉइंट को अपने जीवन में ले लेना और ये पॉइंट्स आज आपको इंक्रीज करेंगे आपके विश्वास में और देखना कितने काम प्रगट होंगे, कितनी अच्छी चीजें होंगी। आमेन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा विश्वास है ना, मनुखी विश्वास, कौन सा, ये आत्मिक दुनिया के अंदर एक बड़ा विषय है अभी जो आप पकड़ रहे हो, जो हम लोगों के अंदर हमारा एक मनुखी विश्वास, एक मनुखी मन, जिसे हम बोलेंगे शरीर का विश्वास और शरीर का मन, और इसी में पवित्र आत्मा क्या करता है, इसको आत्मिक विश्वास बनाता है और आत्मिक मन बनाता है। और मैं कई वचनों से आज आपको क्लियर करूंगा, बिब्लिकल बाइबल से भी कई पॉइंट बताकर, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए करना क्या है, ठीक है। और ये जो हमारा मनुखी विश्वास होता है ये अप डाउन होता रहता है, बोलो, और आपके पास लगभग 80% यही होता है, बोलो। हमारे पास क्या होता है? 80% यही होता है मनुखी विश्वास, और ये कभी भी उस लेवल में नहीं रहता जिससे काम प्रकट होते। ये अप डाउन होता रहता है। अच्छी बातें सुनी तो अप हो गया, हालात आ गया, दूसरी तीसरी बातें सुनी तो डाउन हो गया। इसको बोलते हैं हमारे अंदर जो हमारा शरीर का, हमारा मनुखी विश्वास, जिसे आत्मिक बनना है, जिस विश्वास को वो विश्वास बनना है जिससे काम प्रकट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा, आपको मैं यहां एक डिफरेंस बताऊंगा मनुखी विश्वास का और एक आत्मिक विश्वास का, बोलो कौन सा डिफरेंस। और ये वाक्य है चेलों और यीशु मसीह के बीच में, और मैं ये पढ़ना चाहता हूं बाइबल में योहन्ना की अंजील, योहन्ना सुसमाचार की बुक, योहन्ना की बुक 11 अध्याय उसकी 7 से पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। आमेन। हालेलुया। सुनो, इधर देखो,
यहां पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने अपने चेलों को कहा चलो यहूदिया को चले, मतलब यरूशलम के यहूदिया के पास चले। और उससे पहले यीशु वहां पर थे और वहां यहूदियों को अपने बारे बता रहे थे कि मुझे पिता ने भेजा है और मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर रचना पढ़ोगे पीछे से 11 अध्याय, तो यीशु मसीह यरूशलेम में यहूदिया के साथ था और यीशु मसीह का उन लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने दोष लगाया तू परमेश्वर की निंदा करता, अपने आप को परमेश्वर बनाता है ऐसे करके। तो यीशु मसीह ने उन्हें टीचिंग दी लेकिन वो पथराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यीशु वहां से आ गया, निकल गया बचकर। और शाम को यीशु अपने चेलों को कहा चलो वहीं चलते हैं उन्हीं के पास, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें जीवन की बातें देने के लिए। अब यीशु वहां जाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए जाने के लिए कह रहा चेलों को, और लेकिन चेले क्या कह रहे हैं? चेले कहते हैं वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो अभी सुबह तो आपको क्या कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और आप कहते हो फिर चले। और यहां से आपको एक बात सीखने के मिलेगी, इसको कहते हैं चेलों के अंदर शरीर का मन और शरीर का विश्वास ये काम कर रहा था। और यीशु के अंदर कौन सा मन और कौन सा विश्वास काम कर रहा था? आत्मिक, आत्मा के द्वारा जो होता है। ये डिफरेंस मैं आपको क्यों बता रहा था पढ़कर, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ऐसा हमारे अंदर होता है। और ये बात बहुत सारे बिलीवर को अच्छे से ना पता होने के कारण उनके बहुत सारे रिजल्ट नहीं आते। वो जो चाहते हैं ये मेरी जिंदगी में हो वो पूरा नहीं होता, यही कारण होता है, क्योंकि उनका शरीर का विश्वास, शरीर का मन और शरीर का विश्वास सामर्थ को प्रकट नहीं करता, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं होता, उसमें दृढ़ता नहीं होती, उसमें मजबूती नहीं होती, वो दृढ़ता से भरा हुआ विश्वास नहीं होता। इसीलिए कमजोर विश्वास से उन्होंने कहा यीशु को वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? दिन में 12 घंटे नहीं होते, मेरा विश्वास है वो बदल चुके होंगे, चलो उन्हें बचाने चले। आमेन। तो आपको यहां से यह बात तो पता चल गई कि मनुखी विश्वास और आत्मा से जो विश्वास है उसमें कितना फर्क है, एक ये बात। और अब एक और वचन पढ़ेंगे हम गलातियों की पुस्तक से, गलातियों की पुस्तक 5:22, आपने बड़ा वचन पढ़ा है लेकिन वहां से मुझे एक चीज आपको बतानी है। सामने लाना इस वचन को, ये लिखो, देखो क्या लिखा है यहां पर। लिखा पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, और ये बीच में आ गया विश्वास। आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब पवित्र आत्मा से जो फल, पवित्र आत्मा से जो हमारे अंदर जो गुण आ जाते हैं, गुण, आत्मा के गुण, बोलो कौन सी चीज? आत्मा के गुण। उन गुणों में से एक गुण है विश्वास। बोलो, जो यीशु मसीह के अंदर था विश्वास मन, वही आत्मा हमें दिया गया ताकि उस आत्मा से हमारे अंदर भी वो क्या आ जाए, वो विश्वास आ जाए। तो ये वाला गुण हमारे लिए अवेलेबल है आत्मा से, वो वाला विश्वास जो यीशु के अंदर था। और यीशु के अंदर जो विश्वास था वो अप डाउन नहीं होता था, वो ऐसे एक लेवल में रहता था। ऐसा नहीं जैसे हम लोग हैं, आज भी आप लोग जैसे मान लो सांप आ गया, सांप, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे?
जैसे मान लो आप यहां बैठे हो, तो यहां से निकले एक सांप आपके बीच आ जाए, तो आप क्या करोगे? बोलो हम चिक्के मारेंगे, इतनी चिक्के मारेंगे कि लोगों को भी डरा देंगे, है? एक बार मैं ना ऐसे ही एक गांव में था, थोड़े से बंदे थे और बहुत सारी लेडीज थी, ठीक है, और वहां पर मैं दानियल का चैप्टर खोलकर बैठा था, दानियल के बारे में बता रहा था कि कैसे शेरों के मुंह बंद हो गए दानियल की भक्ति के सामने, उसके विश्वास के सामने, ऐसे बड़ी बातें बता रहा था। तो मैं लोगों से पूछ रहा था, बहनों से पूछ रहा था, आप हम भी ऐसे ही हैं, हम भी शेर हैं, ऐसे बोल रहा था मैं। अचानक कुछ औरतें ऐसे चिक्के मारने लगी अचानक, तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला एक छोटी सी डड्डी आ गई बीच में। क्या आ गई? एक छोटी सी मेंढक, उससे चिक्के मारने लगे, भूल भी गए दानियल की बात को। समझ आई या नहीं आई? इसको बोलते हैं मनुखी मन, मनुखी विश्वास। और ये सिचुएशन के सामने, हालात के सामने क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। बोलो, ये डाउन होने लगता है मन में, ऐसे पता नहीं क्या होने लगता है, कपकपी आने लगती है, बोलो, डर सा आने लगता है, ठीक है। लेकिन जब आत्मा से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आत्मा के द्वारा आपका विश्वास, आत्मा से जो विश्वास उससे भर जाएगा, जैसे आप अलीशा को देखो, अलीशा अपने कोठड़ी में था, अपने घर में था, दूसरे देश का राजा जब पता चला कि ये इस देश का एक भविष्यवक्ता जो राजे को सारी बातें बताता, तो हमारी योजना फेल हो जाती है इस देश को जीतने की, तो उन्होंने सोचा इसको मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। जब उसे मारने के लिए वो रात आए, सारे पूरी सेना ने उसको घेर लिया, सुबह सुबह भोर को उसका चेला उठा, उसने जब देखा सेना को जो उन्हें मारने के लिए आई थी, तो उसका विश्वास सेना को देखकर कैसा था? चिक्के मारता हुआ कहा, स्वामी स्वामी स्वामी, मर गए मर गए, खत्म आज हमारी कहानी। लेकिन क्योंकि वो आत्मा से उसके अंदर विश्वास नहीं था, वो आत्मा से भरा हुआ विश्वास नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब अलीशा बाहर आया तो सेना को देखकर कहता, क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कौन सा विश्वास था? ये होली स्पिरिट से उसने लिया हुआ विश्वास था, जो सिचुएशन क्या मौत के सामने भी डाउन नहीं होता। ये बड़ा विषय है आपके लिए, क्योंकि आपको क्यों मीटिंग लगातार हम लेते हैं ऑनलाइन या यहां, क्योंकि हम हर बात एक ऐसे अगुए से जिसको परमेश्वर ने बड़े काम के लिए चुना हो, अपनी कलीसिया की चरवाही करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, और मेरे मुंह से परमेश्वर बोलकर आपको क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है, ताकि आप मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, स्ट्रेंथ आ जाए आप में, मजबूती आ जाए आप में। जब आप में मजबूती होगी, आपका स्ट्रांग बिलीव होगा, तो आप सिचुएशन पर क्या पालोगे? फतेह पालोगे, जैसे अलीशा ने पाई। जैसे बाइबल में हम बहुत जगह पर देखते हैं कैसे नबियों ने, परमेश्वर के लोगों ने क्या पाई? फतेह, जीत पाई। फिर आप पाओगे। इसलिए ये पकड़ना आपके लिए क्या है? जरूरी है। तो अभी यहां पर ये क्लियर हो गया, मनुखी विश्वास अप डाउन होता है, मनुखी मन अप डाउन होता है, और आत्मा से भरा हुआ विश्वास और आत्मा से तैयार हुआ मन। क्योंकि आज विषय था ना, पवित्र आत्मा से तैयार हुआ विश्वास सब कुछ प्रकट कर देता है। ये था आज का थंबनेल, आज का विषय, ठीक है।